तो एआई की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं और काफ़ी लोग खुश भी हैं। खुश वो लोग हैं जिनको एआई का सही से यूज़ करना आता है या फिर जिनको काम चोरी करना पसंद है, और दुखी वो है जिनका एआई जॉब खा के बैठा है या फिर वो एजेंसी या कंपनी जो कंटेंट राइटर्स को हायर करती है और वो कंटेंट राइटर्स उनको एआई की मदद से पूरा कंटेंट जनरेट करके दे देते हैं या फिर उसमें थोड़ा बहुत अपना मसाला डालकर उसे कंटेंट जनरेट करके कंपनीज को भेज देती है। और अगर आप कंटेंट राइटर हो या फिर ब्लॉगर हो तो आपको मालूम होगा गूगल और बाकी सर्च इंजन्स एआई कंटेंट को प्रेफर नहीं करते हैं और उन्हें रैंक भी नहीं करते हैं, जिससे एआई की और आपकी मेहनत फालतू में जाएगी, पानी में जाएगी। लेकिन अब हो क्या रहा है, जो अच्छे कंटेंट राइटर्स हैं वो तो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, वो खुद से पूरा कंटेंट लिख के दे रहे हैं, पर जो काम चोर कंटेंट राइटर्स हैं वो एआई का मदद ले रहे हैं, एआई का कंटेंट यूज करके प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में ब्लॉगर्स और एजेंसी का नाम भी खराब होता है और उन्हें कोई फायदा भी नहीं होता है। अब आप कितना भी ट्राई कर लो जो एआई जनरेटेड कंटेंट है उसको घुमा फिरा के रिफ्रेश रीराइट कर करके ह्यूमन जैसा दिखाने का, लेकिन गूगल हमें पकड़ लेता है और कहता है कि धरो साले को। तो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि हमारे ब्लॉग में कोई भी एआई रिटन कंटेंट ना हो जिससे हमारे ब्लॉग को नुकसान हो। तो अगर आप एक कंटेंट राइटर हो या फिर आप एक कंपनी या एजेंसी हो या फिर आप कंटेंट राइटर्स को हायर करते हो या आप खुद कंटेंट लिखते हो और जानना चाहते हो कि आपका जो लिखा हुआ कंटेंट है उसमें कुछ एआई जैसी चीज़ें हैं या नहीं, मतलब एआई रिटन वो लगता है या नहीं, तो मुझे ये पता करने के लिए काफ़ी बढ़िया टूल मिला है जिसका नाम है एआई डिटेक्टर प्रो। क्योंकि जब कोई कंटेंट फुल्ली एआई रिटन होता है तो वो तो हमें पता चल जाता है कि उसके वर्ड जो होते हैं, उसके सेंटेंस जो होते हैं, उससे हमें समझ में आता है कि ये पूरा एक एआई रिटन कंटेंट है। पर कुछ चतुर चलाक राइटर्स होते हैं जो बार बार उसे रिफ्रेश करके, उसे बार बार रीराइट करके, एआई की मदद से रीराइट करवा के, खुद से थोड़े बहुत वर्ड ऐड करके उसे ह्यूमन जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं, कई बार दिखा भी देते हैं, तो वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो उसी में हमारा ये काम करता है एआई डिटेक्टर प्रो टूल। तो ये मैं आपको बताता हूं कि ये क्या टूल है, कैसे इसे यूज करना है और इसके जो प्लान्स है, फ्री प्लान्स क्या है, पेड प्लान्स क्या है और उसमें आपको बेस्ट डिस्काउंट कैसे मिलेगा, आगे हम वही बात करेंगे। एआई डिटेक्टर प्रो एक टूल है जो आपको हेल्प करता है कोई भी एआई रिटन कंटेंट को आइडेंटिफाई करने में, उसे डिटेक्ट करने में कि ये कंटेंट एआई रिटन है या नहीं। खासकर जो चैट जीपीटी और बार्ड का जो कंटेंट जनरेट करके होता है उसे ये इजीली डिटेक्ट कर लेता है। साथ ही मैं आपको ये भी बताता हूं कि इसमें कितना परसेंट एआई है और कौन सा टेक्स्ट वर्ड या पैराग्राफ या सेंटेंस एआई रिटन हो सकता है, वो भी ये आपको बारी बारी पूरा आपके आर्टिकल को स्कैन करने के बाद बता देता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। साथ ही में इसका एक एआई रेजर टूल है जो आपको हेल्प करता है उस कंटेंट को वापस से ह्यूमन रिटन बनाने का, आपके जो टेक्स्ट है उन्हें बता देता है कि हां भाई ये आपका चैट जीपीटी जैसा लग रहा है या फिर एआई रिटन लग रहा है, जिसे चेंज करके आप अपने कंटेंट को ह्यूमन रिटन बना सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे यूज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा एफिलिएट लिंक मिलेगा, वहां से जाना ताकि मुझे भी एफिलिएट कमीशन मिले। तो उस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप ये साइट पे आ जाओगे यहाँ पर, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। इस पे क्लिक करते ही आपसे आपका नाम, ईमेल, पासवर्ड पूछेगा ताकि आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो अपना नाम, ईमेल और पासवर्ड लिखने के बाद नीचे स्क्रॉल करूंगा और यहां से हमें इस पॉलिसी को एग्री करना है, और अगर आपको इनके प्रमोशनल ईमेल्स चाहिए तो आप यहां से इसको ऑन कर देना, नहीं तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। और सिंपली हम क्लिक करेंगे रजिस्टर पर। आपको अपना ईमेल को वेरीफाई करना होगा, तो हम अपने ईमेल को वेरीफाई करते हैं। आपको यहाँ पे मिल जाएगा वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपका यहाँ पे फ्री प्लान चल रहा है, जैसे यहाँ पे आप अपग्रेड पे क्लिक करोगे तो आपको बाकी के जो प्लान्स है वो भी पता चल जाएंगे। तो मैं आपको सारे प्लान्स भी बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो हमारा जो फ्री प्लान है उसमें हम पर मंथ 3 रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं, मतलब 3 कंटेंट को हम स्कैन कर सकते हैं। हमें साथ में फ्री इरेजर टूल भी मिल जाएगा और बाकी सारे फीचर्स आप देख सकते हो। बेसिक प्लान मिलता है जिसमें आप 100 रिपोर्ट्स पर मंथ स्कैन कर सकते हो, मतलब 100 आर्टिकल्स इजीली स्कैन कर सकते हो। और फिर जो अनलिमिटेड प्लान है उसमें आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। प्राइसिंग भी देख सकते हो आप मंथली और ईयरली। ईयरली में आपका जो बेसिक प्लान है वो $140 के आसपास है और जो अनलिमिटेड प्लान है वो $240 के आसपास है। और आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा मैंने इसको कुछ हफ्ते यूज किया है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इनकी टीम से बात करी है और मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ 55% डिस्काउंट का कोड। तो मान लो मुझे मंथली प्लान को यूज करना है और मुझे ये वाला जो प्लान है अनलिमिटेड वाला इसको यूज करना है, तो सिंपली मैं इसमें क्लिक करूंगा सब्सक्राइब पर। सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या पेपाल से पेमेंट कर सकते हो आपका पूरा एड्रेस डालने के बाद। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे $49 यहाँ पे बता रहा है प्राइसिंग। देखिए इसमें आपको बताऊंगा कि 55% डिस्काउंट कैसे लेना है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हैव अ कूपन कोड पर और यहाँ पे आपको लिख देना है ब्लॉगिंग रैप्टर, और सिंपली आप जैसे क्लिक करोगे अप्लाई पर, ये आपका सीधा 55% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका ये जो 49 की जगह $22 का ये प्लान होगा, और आप अगर आप ईयरली लेने जाओगे तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो
अनलिमिटेड रिपोर्ट्स आप जनरेट कर पाओगे, पे करोगे और आपका वो प्लान बाय हो जाएगा। तो मैंने तो ऑलरेडी इसका मंथली वाला जो अनलिमिटेड प्लान है वो बाय करके रखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने अनलिमिटेड प्लान बाय करके रखा हुआ है यहाँ पर, जो मेरा इस महीने के एंड तक एंड हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये 22 अप्रैल को एक्सपायर भी हो जाएगा। कैसे इसे यूज करना है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिंपली आपके आर्टिकल को स्कैन करने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे न्यू रिपोर्ट पर, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप अपना जो आर्टिकल है उसका पूरा टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, या फिर अगर आपका आर्टिकल पब्लिश है तो आप यहाँ पे लिंक ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे उसका लिंक पेस्ट करोगे, ये पूरा उसे स्कैन करके आपको रिजल्ट दे देगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये फुल्ली एक ह्यूमन रिटन, मतलब जो मैंने खुद से अपने हाथों से टाइप करके लिखा है, ये वो वाला आर्टिकल है, और यहाँ पे मैंने साथ में चैट जीपीटी की मदद से जनरेट किया हुआ आर्टिकल को भी ओपन करके रखा है। तो सबसे पहले मैं ह्यूमन जनरेटेड कॉन्टेंट जो है उसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, मतलब उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे हम इसे एनालाइज करते हैं। तो आप देख सकते हो मेरा जो कंटेंट था ये वाला, तो आप देख सकते हो ये पूरा ह्यूमन रिटर्न इसने बताया है, और इसमें सिर्फ 2% चांसेस है एआई रिटर्न का। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा ये रिपोर्ट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे इसने बता दिया है कि आपका ये पूरा कंटेंट खुद से लिखा हुआ है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब जो दूसरा आर्टिकल है उसको भी मैं यहाँ पे स्कैन करता हूँ, सिंपली मैं इसको करूंगा यहाँ पे कॉपी पे, और यहाँ पे जाऊंगा लिंक के ऑप्शन में, और यहाँ पे करूंगा पेस्ट, और इसको करता हूँ यहाँ से एनालाइज। तो ये अभी इसे एनालाइज करेगा और बताएगा कि ये AI रिटर्न है या फिर ह्यूमन रिटर्न। तो आप देख सकते हो जो हमारा कंटेंट है वो यहाँ पर इसने स्कैन कर लिया है, और इसका रिपोर्ट आप देख सकते हो 98% AI रिटर्न है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे बता दिया इसने 98% यहाँ पे पूरा AI रिटर्न कंटेंट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ये पूरा बताता है कि ये सारे जो टेक्स्ट है ये चीज़ है जो इसको AI रिटर्न दिखा रहे हैं, AI रिटर्न बना रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा आर्टिकल जो है ये बता देगा कि ये सब इसमें AI रिटर्न कंटेंट है। नीचे आप जैसे जाओगे तो आपको यहाँ पे स्टैट्स भी मिल जाता है कि टोनल एनालिसिस आपको मिल जाता है, और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, ऑरेंज का मतलब क्या है, ब्लू का मतलब क्या है, इसे आप पढ़ लेना, इतना कुछ इसमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। खाली आपके जो कंटेंट है उसको एनालाइज करके चार्ट के फॉर्म में दिखा रहा है, स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है, बाकी आपका मेन कंटेंट यहाँ पर दिख रहा है। अब इसका जो आपको मैंने बताया था आपको कंटेंट को एनालाइज कर लिया, लेकिन आप इसको अब ह्यूमन रिटर्न कैसे बनाओ, तो इनकी तरफ से एक टूल आता है AI इरेजर, जो आपके इस कंटेंट को जो 98% है उसको इजीली आप उसको ह्यूमन रिटर्न बना सकते हो। तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे ओपन विद AI इरेजर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें बताया 98% यहाँ पे AI डिटेक्टेड है। जैसे यहाँ पर ये जो वर्ड्स है यहाँ पे ब्लैक कलर में दिखा रहे हैं, ऑरेंज कलर में दिखा रहे हैं, लाइट ऑरेंज भी दिखा रहे हैं, येलो भी दिखा रहे हैं, और डार्क रेड भी दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम नीचे जाएंगे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो रेड कलर वाला है वो ज्यादा चांसेस है, मतलब AI ये ज्यादा यूज करता है ये सारे वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को। ऑरेंज थोड़ा कम करता है, येलो थोड़ा और कम करता है, और जो ब्लू हाईलाइटेड और बोल्ड टेक्स्ट है वो ज्यादातर चैट जीपीटी या फिर बार्ड जैसे वो इसको यूज करते हैं। तो हम उनको चेंज कर सकते हैं, उनको इजीली इरेज करके खुद से टाइप करके नए वर्ड्स, उसके अल्टरनेटिव जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम यूज़ करके हमारे कंटेंट को ह्यूमन रिटर्न बना सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये भी अच्छी है कि आप जैसा देख सकते हो मैं यहाँ पे इस ब्लैक वाले पे क्लिक करूंगा तो ये आपको कुछ अल्टरनेटिव वर्ड्स को भी घुमा के दे देगा कि हाँ भाई आप ये क्रूशियल वर्ड की जगह इंपॉर्टेंट यूज़ कर सकते हो, क्रिटिकल, जो भी सूट हो रहा हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूज़ कर सकता हूँ, तो वो इसने यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप कर दिया है, तो वो थोड़ा थोड़ा मेरा ह्यूमन रिटर्न जैसा होते जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब इसका एक बेस्ट फीचर मुझे ये भी लगा है कि आप यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे इसे शो टॉप प्रायोरिटी एडिट, तो मतलब इसमें आपको ये बताएगा कि हाँ ये जो टेक्स्ट है वो सबसे ज्यादा AI रिटर्न लग रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे ये यहाँ पे लेके आ गया है। तो आप यहाँ से सिंपली इसको चेंज कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, और यहाँ पे इंपॉर्टेंस की जगह आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, वैल्यू कर सकते हो, इस तरीके से आप उनको चेंज कर सकते हो। और सारे चेंजेस करने के बाद आपको यहीं पे ऑप्शन मिलता है रीस्कैन डॉक्यूमेंट फॉर AI, तो यहीं से आप वापस से ये आपका डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेगा और बता देगा कि हाँ भाई अब इसमें कितना परसेंट AI है या फिर ये पूरा ह्यूमन रिटर्न हो चुका है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपका कंटेंट AI रिटर्न है या नहीं, या फिर आपके कंटेंट राइटर जो है वो AI का यूज करके कंटेंट आपको दे रहा है या नहीं, और अगर उसमें कुछ AI जैसा है तो साथ ही उसको ह्यूमन रिटर्न कैसे बना सकते हो। तो ये सारी चीजें चेक करने में और एडिट करने में आपका ये टूल जो है AI डिटेक्टर प्रो वो मदद करता है। तो बस यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता आपको पसंद आया होगा। पसंद आया जरूर इसे लाइक करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो AI का यूज कर रहे हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि क्या नुकसान हो सकता है AI का यूज करने का, और अगर वो खुद से भी कंटेंट लिख रहे हैं तो भी उन्हें ये शेयर कर देना ताकि उन्हें ये पता चले कि उनके कंटेंट में कुछ AI जैसा है या नहीं, क्योंकि कई बार हम ऐसे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं जो हमारा कंटेंट को AI जैसा दिखा सकता है लोगों को, या फिर जो हमारे सर्च इंजन है उनको। जैसे मैंने कहा आपको फ्री प्लान में 3 रिपोर्ट्स मिलते हैं, अगर आप ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे काम नहीं करते हो आप हर महीने 1 या 2 आर्टिकल लिखते हो तो आपको उसमें काम करेगा, अगर आपको ज्यादा यूजेस है तो आप इसका बेसिक या फिर अनलिमिटेड वाला प्लान जो मैं यूज कर रहा हूँ वो आप कर सकते हो। जैसे मैंने कहा मेरे अफिलिएट लिंक से नीचे जाओगे 55% डिस्काउंट कूपन कोड भी मैंने दे दिया है जो है ब्लॉगिंग रैप्टर, तो उसको यूज करके आप डिस्काउंट भी ले सकते हो। यही था इस वीडियो में, पसंद आया जरूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और क्या मिलता है अगले वीडियो में।